जहूर एक इतराज़ होता है औरतों के हकूक के मुतालिक, के हैं औरतों के हकूक के मुतालिक के इतराज़ होता है एक, कि इस्लाम की तालीम तो इस बारे में बहुत अच्छी है कि औरतों के हकूक इस्लाम ने दिए हैं, लेकिन तालीम की खूबसूरती यह है कि उसका अमली नमूना भी हो जो कि नज़र नहीं आता, बल्कि इसके बरक्स नमूने नज़र आते हैं कि उस पर अमल नहीं हो रहा। तो इसका क्या जवाब दिया जाए? जो डोमेस्टिक अब्यूज़ है औरतों के साथ, मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम है, वो इन लोगों के ज़्यादा हैं। नमूने क्या दिखाते हैं? यहाँ जो डिवोर्स रेट है यूरोप में, अमेरिका में 65% है। ठीक है, वो क्यों है? औरतों को मार धाड़ जो है उसको बड़ी हाई परसेंटेज है, क्यों है? मुसलमानों की अगर डिवोर्स रेट इससे कम है, और अहमदियों में नमूना दिखाना है तो अहमदियों में अभी मैं कहता रहता हूँ कि बहुत बढ़ गए बढ़ गए, अभी भी जो 18.5% है हमारी डिवोर्स रेट। ठीक है, आज से 6-7 साल पहले 12% थी, इसलिए मैं कहता हूँ खौफ का मुकाम है कि बढ़ ना जाना, मैं निकालता रहता हूँ फिगर, इसलिए नमूना तो बना दिया हमने। बाकी अभी 4 दिन हुए एक रिसर्च किया यहाँ के एक प्रोफेसर ने, उसने कहा है कि जो जो अरेंज मैरिजेज हैं और जो जिस तरह यूरोपियन मैरिज करते हैं, जिसको लव मैरिज का नाम देते हैं या अपने पसंद के मैरिज का नाम देते हैं, उसके उसने निकाला कि कौन से कामयाब हैं चलते हैं। तो वो कहता है, प्रोफेसर ने लिखा है कि मैं हैरान रह गया हूँ इस सारे फिगर देख के, कि अरेंज मैरिजेस जो हैं वो ज़्यादा कामयाब हैं बनिस्बत इन मैरिजेस के जो आज़ादी से और लव मैरिज के नाम पे या पसंद के मैरिज के नाम पे कई कर रहे हैं ये लोग। वो उसकी जो तो टूटते हैं रिश्ते अरेंज मैरिज के वो कम हैं, और ये रिश्ते जो टूटते हैं ये ज़्यादा है। और जो अरेंज मैरिज है उसमें औरतों ने कहा है कि हम ज़्यादा महफूज हैं और हमारे हक अदा किए जा रहे हैं बनिस्बत उन मैरिज के, उसकी वो वहाँ 31% औरतों ने कहा कि अरेंज मैरिजेस के मतलब के नहीं, हमारे हक नहीं अदा हो रहे। ठीक है, और जो दूसरे मैरिज हैं वो 46% से ऊपर ने कहा कि हमारे हक नहीं अदा हो रहे और हम पसंद नहीं करते हैं रहना, हमारे से अब्यूज़ होता है। तो कहाँ से कामयाबी होगी? यही हवाई बातें सुन के तुम लोग मुतासर हो जाते हैं लोगों की, देखा करो हाँ? ये एक आर्टिकल आया वो 4-5 दिन पहले आया था, मुझे उसका रेफरेंस याद नहीं है, लेना होगा तो आबिद खान साहब से रेफरेंस ले लेना उसका। प्रोफेसर साहब कहते हैं मैं भी हैरान रह गया हूँ कि ये किस तरह हो गया, कि मेरा ख्याल था कि अरेंज मैरिज ज़्यादा टूटते हैं और ज़्यादा नापसंद किए जाते हैं।